मेरे प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। प्रिय बच्चों, आज मैं आपको एक सोशल नॉलेज देने को जा रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मैं भी अभी अभी हमारे देश के इस ऐतिहासिक दिन को देखते हुए इस वीडियो को देने का, अभी मेरा आप लोगों को इस वीडियो को प्रोवाइड करने का उद्देश्य ये है कि हम कुछ जो है अपने सोशल वर्किंग के बारे में भी जानें, हमारे समाज में क्या चल रहा है। और आज हमारे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भाजपा ने चुनाव लड़ा था, उसमें उनको सफलता मिल गई है और कांग्रेस असफल हो गई है इस चुनाव में। फिर से राहुल गांधी के नेतृत्व में अपने आप को साबित करने में, देखिए हमें न कांग्रेस से कोई हमदर्दी है, न भाजपा से हमदर्दी है, न हमें कांग्रेस से कोई शत्रुता है, न कोई भाजपा से है। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र का क्या नाम था। ठीक, कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र दिया उसका नाम दिया गया था जन आवाज़। ठीक, ये जन आवाज़ जो है कांग्रेस के घोषणा पत्र का नाम था। ये मैं आपको एज अ एग्जाम्पल बता रही हूँ। जन आवाज़ जो नाम दिया था, ये क्यों बता रही हूँ कि कई पेपर्स में, अब जो आने वाले कई पेपर हैं, अगर उसमें कोई अच्छा पेपर बनेगा तो उसमें अवश्य पूछा जाएगा कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था उसका क्या नाम था। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र का नाम था जन आवाज़। ठीक, और भाजपा के घोषणा पत्र का नाम था संकल्प पत्र। ठीक, आप जो है कहीं पर भी सर्च कर लीजिएगा। मैंने आपको सोशल साइट्स पर पैरासाइट न रहने की सलाह दी है, फिर सलाह देती हूँ, और जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसको मैच कर लीजिएगा। ठीक, और जब ये जन आवाज़ घोषणा पत्र जारी हुआ तो उसके बीच में मैंने एक वीडियो दिया था, शायद वो वीडियो मेरा कुछ तकनीकी कारणों से वो डिलीट हो गया वीडियो। मैंने सबसे पहले इस घोषणा पत्र की उस दिन अपने बच्चों को खामियां बताई थी कि कांग्रेस क्या क्या खामियां जा इससे भुगत सकती है। ठीक, वही देखिए अब कांग्रेस यहाँ पर क्यों, यहाँ पर कांग्रेस जो है सफल नहीं हुई, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था वो था कि 72,000 गरीबों के खाते पर आएंगे, 72,000 रुपये गरीबों के खाते पर आएंगे। ये किसका जो था अपोजिट था, जो 15 लाख नरेंद्र मोदी जी ने बोला था, 15 लाख ये 14 के जो चुनाव में 2014 के चुनाव में 15 लाख दिए जाएंगे। हालांकि उन्होंने इस चीज़ को किसी ने गहराई से देखा नहीं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा था कि 15 लाख रुपये आपके खाते में डायरेक्ट डाले जाएंगे। उन्होंने कहा था कि योजनाओं से हम ऐसी योजनाएँ लाएंगे जिसमें आपको 15 लाख रुपये तक का फ़ायदा हो सकता है। ठीक, सबसे पहली बात। और इन्होंने ये चीज़ तो कही, ठीक है, मैनिफेस्टो में ये चीज़ बोल दी कि 72,000 रुपये गरीबों के खाते पर आएंगे, लेकिन सोर्स नहीं बताए गए थे। उसी दिन जो है मैंने आपको जो वीडियो प्रोवाइड किया था उसमें सोर्सेज कहाँ से लाएंगे, सोर्सेज नहीं बताए गए थे। सोर्सेज बताना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि 22 लाख सरकारी रोज़गार देंगे। ठीक, और इन्होंने वो पर्टिकुलर क्षेत्र नहीं बताए। इन्होंने कहा कि पंचायत में हम इतने रोज़गार लाएंगे, लेकिन वो पंचायत में रोज़गार तो लाएंगे लेकिन उनकी पोस्ट के उन्होंने कोई नाम नहीं दिए कि हमारे पास इतनी पोस्ट खाली हैं। अगर उसमें जो है हमारे पास ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ये सब पंचायत में अगर रखेंगे तो कितनी सीट्स कहाँ है, इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया गया। ठीक, और दूसरी गलती कहाँ पर करते हैं, मनरेगा में जो अभी 100 दिन का रोज़गार दिया जाता है उसके बाद 150 दिन का रोज़गार देंगे। मनरेगा ऐसी परियोजना है जिसमें जो है श्रम के आधार पर उनको
रोज़गार दिया जाता है, कोई गड्ढे खोदना है कहीं पर कुछ करना है, लेकिन आजकल का जो नए भारत का युवा है वो इस काम के बजाय टेक्नोलॉजी में ज़्यादा जाना चाहता है। चाहे वो हाई स्कूल पास हो, चाहे इंटर पास हो, चाहे कुछ भी हो, तो टेक्निकल काम ज़्यादा पसंद करता है। यहाँ पर भी राहुल गांधी की योजना फेल हो गई। ठीक, अब राहुल गांधी का जो ये नारा था गरीबी पर वार 72,000, ठीक, ये विफल हो गया। गरीबी पर वार 72,000 ये इसलिए विफल होया हुआ मेरे प्यारे बच्चों, हमारे देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए, क्या हम पहले उस दिन भी गरीब थे और आज भी गरीब हैं? ठीक, हम गरीबी पर ही लड़ेंगे, हम टेक्नोलॉजी पर नहीं लड़ेंगे, हम रोज़गार पर नहीं लड़ेंगे। ठीक, हम जो है अपने अपने देश की सुरक्षा पर नहीं लड़ेंगे। ठीक, इस पर भी उसी समय जो है 72,000 वाला नारा किसी ने देते हैं कहा, किसी ने, ये भी कांग्रेस के अंदर एक जन आक्रोश था कि कांग्रेस के खुद के कार्यकर्ताओं में ये नारा नहीं देना चाहिए, हालांकि उन्होंने दिया और जिसका रिजल्ट आज उनके सामने असफलता के रूप में रहा। ठीक, और दूसरी चीज़, राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी गलती कही की कांग्रेस ने देशद्रोह खत्म करने पर। ठीक है, उनका एक आप देख लीजिएगा उनका मैनिफेस्टो क्या था कि देशद्रोह को ख़त्म कर देंगे, यानी कोई देशद्रोह का काम करेगा तो उसको फांसी नहीं मिलेगी, उसको कोई मतलब दंड नहीं मिलेगा। देखिए, अब हमारा देश है, उसमें जो है अगर देशद्रोही ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो देश कहाँ रहेगा, देश तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। और उन्होंने दूसरी चीज़ कही कि सुरक्षा बलों के विशेषाधिकार को कम कर देना, अगर ये देशद्रोह खत्म हो जाएगा तो फिर JNU में जो हो रहा है, जो देशद्रोही नारे लग रहे हैं, क्या ये सही है? इस पर भी राहुल गांधी को जनता ने अस्वीकार कर दिया। फिर दूसरी चीज़ उन्होंने क्या कही कि सुरक्षा बलों के विशेषाधिकार कम कर देंगे। ठीक, अगर हम सुरक्षा बलों के विशेषाधिकार कम कर देंगे तो हम सुरक्षित कैसे रहेंगे? आज हम यहाँ पर सुरक्षित हैं जब हमारे सुरक्षा बलों को उनके अधिकार दिए गए हैं, नहीं कोई अटैक हो रहा है तो कहीं पर सीमा पर अटैक हो रहा है तो प्रधानमंत्री को फ़ोन थोड़ी करेगा कि उस समय यहाँ पर अटैक हो रहा है, या राष्ट्रपति को फ़ोन थोड़ी करेगा कि यहाँ पर अटैक हो रहा है, मैं इसका बदला लूँ या ना लूँ। ये तो उसका अपना विवेक होगा, जो सुरक्षा बल का मुखिया होगा, जो चीफ होगा, वो इसका अपना विवेक होता है, उसको कोई विशेषाधिकार मिले रहते हैं कि हाँ जल्दी से हमारे देश की सुरक्षा पर कोई भी आँच आई तो आपको जल्दी से उसका रिएक्शन देना है। ठीक है, लेकिन उनके कांग्रेस के मैनिफेस्टो में यही चीज़ जो है नष्ट कर दी गई, इसलिए आज जनता ने उनको असफल कर दिया। दूसरी तरफ मैं बढ़ती हूँ कि भाजपा की सफलता के क्या कारण हैं। ठीक है, अब जो मेन क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा, अगर अच्छा पेपर बनेगा तो क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि भाजपा के जो घोषणा पत्र था उसका नाम क्या था, संकल्प पत्र था। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, संकल्प पत्र था, और रोजगार सृजन पर उनकी कोई स्पष्टता तो है रोजगार सृजन पर, लेकिन वो क्या कहते हैं कि भाजपा का मैनिफेस्टो क्या कहता है कि स्वरोजगार देंगे हम। ठीक, उनको जो है अपनी क्षमता दिखाने का मौका देंगे। शायद कई बच्चों ने बड़े बड़े अच्छे अच्छे पैकेज भी यहाँ पर लिए हैं स्वरोजगार के अंतर्गत, और मल्टीनेशनल कंपनियों की नौकरियाँ छोड़ी हैं, शायद यहाँ से भी कुछ सपोर्ट उनको मिला हो। अब 2014 में जो उनका नारा था एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, इससे जो है खुद हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक दिन भी छुट्टी न लेकर के ऐसा करिश्माई व्यक्तित्व डेवलप किया अपना कि भाजपा वालों को खुद नारा देना पड़ा कि मोदी है तो मुमकिन है। इसका बहुत फर्क पड़ा जनता पर। अब जो हमारे देश में जो जनता है उसका 80% लगभग हिंदू है, और हिंदू हमारी जन भावनाएं कहाँ से जुड़ी हैं, राम मंदिर से जुड़ी हैं। भले ही राम मंदिर बनाने में वो एक कार्यकाल में असफल रहे, लेकिन हिंदू फिर भी आशा करता है कि राम मंदिर की संभावना बने और हमारा राम मंदिर बने वहाँ। ठीक, और दूसरी चीज़, जो नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर से 370 हटाने का जो प्रयत्न किया और धारा 35A को ख़त्म करने का जो प्रयत्न किया, वो भी शायद
भारत की जनता में काबिले तारीफ उनको सफलता का कारण बनी। सबसे बड़ी बात जो हमारे कुछ समाज में अभी भी हमारे समाज में कुछ ऐसी सामाजिक बुराइयां हैं जिन पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो है वार किया, वो है 3 तलाक, निकाह, हलाला, उन्मूलन। इसका बहुत बड़ा फर्क उनको चुनावों में ज़रूर मिला। और सबसे बड़ा कारण है माननीय नरेंद्र मोदी जी की जीत का राष्ट्रवाद पर जोर। ठीक, जब राष्ट्र है तभी तो हम हैं। आतंकवाद पर घात, बालाकोट का बदला, सर्जिकल स्ट्राइक की सफलता, ठीक है, अभिनंदन की सफल वापसी, ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, इतनी चीज़ें मिल करके तब जा करके आज जो है भाजपा सफल हुई है। वाकई नरेंद्र, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व है वो करिश्माई व्यक्तित्व है। उनको जीत की हार्दिक शुभकामनाएं, जीत की हार्दिक बधाई। वो हमारे देश को ऊंचाइयों के शिखर पर ले जाएं। और मैं राहुल गांधी जी से भी कहना चाहूँगी कि खूब मेहनत करें, डरें नहीं, स्वस्थ रहें, खूब मेहनत करें, आगे बढ़ें, सफल हुएं। जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ लाभ हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इसको। ये मेरा अपना स्वमूल्यांकन था भाजपा और कांग्रेस के पक्ष में। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।